राजधानी दिल्ली समेत पूरे NCR में मौसम सुहाना बना हुआ है। कल सुबह बारिश की बूंदों के साथ दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला। मंगलवार की सुबह कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई, बादल छाए, ठंडी हवाएं भी चली। हालांकि कुछ देर बाद ही धूप छा गई। ये मौसम का मिजाज दिल्ली वालों के लिए मार्च की शुरुआत में भी रहेगा। 1 और 2 मार्च को बूंदाबांदी और आंधी का अनुमान है। हालांकि आज और कल यानी फरवरी के आखिरी 2 दिन मौसम साफ रहेगा और तेज धूप भी रहेगी। मंगलवार को दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा। बुधवार यानी आज मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहने की उम्मीद है। गुरुवार को हल्के बादल रहेंगे मगर धूप भी निकलेगी। तापमान में कुछ ज्यादा नहीं होगा। 28 डिग्री अधिकतम और 11 डिग्री न्यूनतम रहने की उम्मीद है। मार्च शुरू होते ही दिल्ली के मौसम का मिजाज फिर सुहाना होने वाला है। हल्की बारिश होगी, रात को भी बूंदाबांदी का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि मार्च की शुरुआत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस और अरब सागर से नमी आने वाली हवाओं के चलते इसका असर मैदानी इलाकों पर भी रहेगा। वहीं 2 मार्च को 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने इस आंधी के साथ साथ बादल गरजने और हल्की बारिश का पूर्वानुमान किया है। इस दौरान तापमान भी कुछ गिरेगा। 2 मार्च को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहने की उम्मीद है। 3 और 4 मार्च को हल्के बादल घिरने से आसमान नजर आ पाएगा और धूप भी निकलेगी। 2 से 6 मार्च तक अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कुल मिलाकर मार्च का पहला हफ्ता गर्म नहीं होगा। दूसरी ओर मंगलवार को दिल्ली की हवा साफ होगी। AQI 157 रहा जबकि सोमवार को 170 था। शहर में सबसे ज्यादा AQI जहांगीरपुरी जहां 237 रहा, शादीपुर 212 और NSUT द्वारका में 203 रहा। अगले एक हफ्ते में दिल्ली की हवा ऐसे ही कुछ साफ रहने की उम्मीद है। दिल्ली NCR से प्रदूषण का सीजन बीत चुका है। करीब 5 महीने बाद दिल्ली NCR में ग्रैप की सभी पाबंदियों को हटा लिया गया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने मंगलवार को ग्रैप सभी कमेटी की बैठक के बाद ये निर्णय लिया। मंगलवार को राजधानी का औसतन AQI 159 रहा। प्रदूषण के स्तर में काफी सुधार देखा गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदूषण के बढ़ने की संभावना नहीं है। राजधानी में इस सर्दियों के सीजन में ग्राप वाला पहला चरण 6 अक्टूबर 2023 को लागू किया गया था। पिछले कुछ समय में दिल्ली NCR में प्रदूषण के मामले काफी बेहतर मिले हैं। AQI 22 फरवरी से सामान्य की स्थिति में बना हुआ है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी स्पष्ट किया गया है कि स्थितियों में बदलाव होते ही ग्रैप के पहले चरण को दोबारा फिर से लागू किया जा सकता है। विभिन्न रिपोर्ट के अनुमान से इस सीजन में दिल्ली NCR अधिक प्रदूषित रहेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।